बेटा बाप का बनने को तैयार नहीं, बाप बेटे का बनने को तैयार नहीं, बेटी माँ की होने को तैयार नहीं, माँ बेटी का बनने के लिए तैयार नहीं। तो उस वक्त अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे कि इस तबर्रा अल्लज़ीना तबिउ मिन अल्लज़ीना तबउ, कि जब वो लोग बेजार हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, कौन लोग? जिनकी पैरवी की जा रही थी। मिन अल्लज़ीना, उन लोगों से, नतबउ जो उनकी पैरवी करते थे, जब वो मुशरिक, गैर मुस्लिम और अल्लाह के रास्ते से भटके हुए गुमराह लोग देखेंगे कि हमारा तो अंजाम ये बड़ा बद होने वाला है, जब वो ये मंजर देखेंगे तो अपने आप को उनसे अलहदा कर लेंगे जिनको अपनी पैरवी में रखते थे। फरमाया बरामुल अज़ाब, उनको अज़ाब को देख लेंगे। वतक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब, और उनके सारे अस्बाब खत्म हो जाएंगे, सारे अस्बाब। यानी कि कयामत का दिन है, वहां पे कोई सर पे कुरान रख के कहे कि या अल्लाह मैं तेरा बनने के लिए तैयार हूं, तो उस वक्त उसका कोई भी इकरार जो है काबिले तस्लीम नहीं होगा। वो दुनिया की जिंदगी थी, अल्लाह ताला ने उसको अकल दी, शऊर दिया, हवा से हमसा किए, अल्लाह ने अंबिया को भेजा, किताबों को भेजा, उलमा को उनमें भेजा, वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। ये सब कुछ हकायक सामने होने के बावजूद अगर उन्होंने शैतान का रास्ता इख्तियार किया, गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह की नाराजगी का रास्ता इख्तियार किया, तो फरमाया कि ये उनके सारे असबाब खत्म हो जाएंगे, सारे असबाब खत्म हो जाएंगे। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। कल कयामत में अगर तू मान भी जाता है तो कल वहां पे तेरा मानना जो है काबिल कबूल नहीं होगा। और फरमाया वकाल लजी नतबउ, जो पैरवी करते थे इन गुमराह लोगों की और मुशरिकीन की, बुत परस्तों की और झूठे माबूदों को पूजा करने वालों की जो पैरवी करते थे, वो कहेंगे लव अन्ना लना करतन, अगर हमें एक मौका मिल जाए, न तबर्रा मिन्हुम, तो हम भी उनसे अलहदा हो जाएंगे, कमा तबर्रा मिन्ना, जैसे वो हमसे अलहदा हो गए। लेकिन वहां पे कोई भी उनकी हसरत और कोई भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, अल्लाह उनके अमाल बतौर हसरत उनको दिखाएगा। यानी जब ये मुशरिक, गैर मुस्लिम, काफिर ये वहां पे होंगे, तो इनके मुकाबले में जो अहले ईमान होंगे, अल्लाह को मानने वाले, उसको एक मानने वाले, उनकी तालीमात पे अमल करने वाले, वो जन्नत में होंगे। और ये काफिरों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि तुम भी अगर इनकी तरह अल्लाह को एक मानते, अल्लाह के रसूल को मानते, किताबों को मानते, तो तुम्हारे लिए भी जो है ये इनाम होने थे, तुम्हारे लिए ये बारकात होने थे, ये जन्नत की नेमतें होनी थी। तो जब वो देखेंगे तो वो हसरत में जो है अपने आप को जो है कोसेंगे कि काश हम भी जो है दुनिया में अल्लाह रसूल की बात को मान के आते, अमल करके आते, तो हमारे लिए भी ये इनाम होता। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, अब वहां उनकी हसरत किसी काम नहीं आएगी और उनको दोज़ख से नहीं निकाला जाएगा। जो कुफ्र की हालत में मरेगा वो दोज़ख से नहीं निकाला जाएगा। और एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो किसी गुनाह में मुब्तला हो जाता है और तौबा करने से पहले मर जाता है, अल्लाह उस गुनाह की सजा के बाद बिल आखिर उसको जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इंसान अव्वल तो अपने आप को गुनाह की तरफ रागिब भी ना करे, अगर हो जाए तो फौरन तौबा करे। इसलिए और यह इकरार फरमाते हैं कि हर रात अपनी जिंदगी की आखिरी रात समझ के कलमा भी पढ़ के सोया करो और अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करके सोया करो। नहीं मालूम कि सुबह किसी को नसीब होती है या नहीं होती, तो कम से कम वो रात का सोना हालत ईमान पे भी हो जाए और अल्लाह की हुजूर माफी मांगने से भी हो जाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नास, अय लोगों, इससे कबल
अहले इस्लाम के लिए बातें थी कि अहले इस्लाम को फसलूनी अस्कुर बुक से लेकर ये सारा रखो, अल्लाह ने अपना जिक्र करने वालों को, सब्र करने वालों को, आजमाइश में कामयाब होने वालों को, फिर उसके बाद अल्लाह ने अपनी जो नेमतें हमारी दुनिया के एतबार से जरूरी हैं उनका तस्करा किया, ये जिस्मानी चीजें थी। अब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को खिताब करते हुए फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, पता चला इस्लाम की कुछ तालीमात वो हैं जो सिर्फ अहले इस्लाम के साथ ताल्लुक रखती हैं, और कुछ इस्लाम की तालीमात वो हैं कि जो आलम इंसानी से ताल्लुक रखती हैं, और इस्लाम ये आलमगीर दीन है, आलमगीर मजहब है। ये बदकिस्मती से जब से छोटे जहनों में आया तो उन्होंने अपने जहन के मुताबिक इसको जो है महदूद करके रख दिया। इस्लाम बहुत बड़ा वसी दीन है, इसमें जो है आदमी कवानीन भी मौजूद है, मुल्की कवानीन भी मौजूद है। इस्लाम हमें बताता है तुमने गैर मुस्लिमों के साथ कैसे रहना है, इस्लाम बताता है कि माशरे में कैसे रहना है, खाना पीना अलग। अभी हम माँ के पेट में होते हैं तब से लेकर कब्र तक, और कब्र से लेकर आलम जन्नत या दोजख तक सारी तफसीलात जो है अल्हम्दुलिल्लाह वाले दीन में मौजूद है। और अगर कोई ये चाहे कि वो अपने जिस मर्तबे पे रहता है उसके मुताबिक उससे तालीम हासिल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में मौजूद है। अब यहाँ पर अल्लाह ने पूरी दुनिया को खिताब किया, अय्युहन नास, सिर्फ मोमिन को नहीं कहा, सब लोगों को कहा, अय्युहन नास, ऐ लोगों, कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यिबा, ये जमीन से वो खाओ जो हलाल भी हो और पाकीज़ा भी हो। ये दो लफ्ज हलालन तय्यिबन, ये जिस बंदे को नसीब हो जाए और इन पे अमल करना नसीब हो जाए वो इस दौर का अपने आप को वली समझे। वली है हजरत साहब बिन सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसको तीन काम करने मिल जाए तो वो जो है कामयाब है। नंबर एक, रिस्क हलाल खाता हो, अल्लाह ने जितने फर्ज मुकर्रर किए हैं वो फर्जों की पैरवी करता हो, और तीसरा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो। ये तीन काम जिसमें होंगे वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। और ये जो रिस्क हलाल है ये इतना अहम है कि इसके बगैर हमारी इबादत लज्जत बरकत और सवाब से खाली हो जाती है। में थे, आपने एक शख्स को देखा खाना काबा का गिलाफ पकड़ कर जो है दुआ मांग रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अल्लाह के नबी है वो निगाहे नबूवत से देख रहे थे, आपने फरमाया कई फरिश्ते दुआ, उस बंदे की दुआ कैसे कबूल होगी, गिजा को हराम हो वह बंदसू हराम हो, कि जिसकी गिजा भी हराम की हो और उसका पहनना भी हराम का हो, वो काबा के खिलाफ को पकड़ के भी दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। आज इस दौर में रिस्क हलाल कमाना और रिस्क हलाल कमाने पे कायम रहना ये आजमाइश और इम्तिहान से कम नहीं है। हम जिस दौर में गुजर रहे हैं ये फितनों का वो दौर है कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले आगाह कर दिया था। मैंने फरमाया था मेरी उम्मत में एक ऐसा वक्त आएगा अगर कोई शख्स सूद नहीं भी खाएगा तो सूद की गर्दियों को बाहर से नहीं बच सकेगा। सूद बराह रास्त तो सूद नहीं भी खाएगा ना, सूद की गर्दों को बाहर से नहीं बच सकेगा। अब गर्दों को बाहर से क्या मुराद, और उनकी क्या मिसाल देनी है कि अगर हमारी मस्जिदों के पैसे हैं या मदरसों के पैसे हैं तो जो आलमी सतह पर मुआशी सिस्टम बना हुआ है और वो बैंकों के जरिए और डॉलर मतलब एक आलमी करेंसी के तौर पर मुतारिफ है, तो उसके जरिए हमारे पैसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में उस मतलब सूदी सिस्टम के सर्कल से गुजर के आते हैं, सूदी सिस्टम के सर्कल से गुजर के आते हैं, चाहे वो हम अपनी मेहनत के ही क्यों ना ले रहे हो, चाहे वो मजाए बिल्कुल हलाल की कमाई ही क्यों ना हो, लेकिन गुरुत्वार से वो भी महफूज नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया हलालन तय्यिबा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, रिस्क हलाल कमाने वाला वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है। और इसी तरह आप अपने सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अत्ताजिरु सादिक युबासु यौम अल कियामत मा अल अंबिया वशुहदा, कि जो सच्चा ताजिर होगा, रिस्क हलाल कमाने वाला ताजिर होगा,
वो कयामत के दिन या नबियों के सब में खड़ा होगा या शहीदों के सब में खड़ा होगा। ये कितनी बड़ी हिकमत की बात है। और हमारा इस्लाम कभी भी किसी दूसरे के हक पे डाका डालने की कतई इजाजत नहीं देता, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो। इस्लाम क्या? इस्लाम मेहनत का कायदा। इस्लाम फरमाता है मेहनत करो, मेहनत में अजमत है, चाहे थोड़ा मिले रिस्क हलाल का मिले वो हमारे लिए बेहतर है उस ज्यादा से कि जिसके बाद जो है अल्लाह की नाराजगी आ जाए। ठीक, तो रिस्क हलाल जिसको कमाना नसीब हो रहा है वो खुश नसीब है और इस पे कायम रहना उसके लिए बेहद जरूरी है। और दूसरा फरमा तैयबा, यानी हलाल भी हो और पाकीज़ा भी। अब ये लफ्ज तैयब एक लफ्ज है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाए तो पूरी मेडिकल साइंस जो है वो इस लफ्ज में छुपी हुई है, तैयब। लेकिन मेडिकल के जरिए आप जानते हैं कि भाई खाना ऐसे खाओ, खाना ऐसे खाओ, हैंड वॉश करके खाओ, ये जरासीम है, वो जरासीम है, फलां चीज है, फलां चीज है। अल्लाह ने ये सारी चीजें तैयब के लफ्ज में छुपा दी कि पाकीज़ा पाकीज़ा खाना खाओ, कि वो सफाई सुथरे के एतबार से पाकीज़ा हो, कमाई के एतबार से पाकीज़ा हो, बैठने के एतबार से पाकीज़ा हो, देने के एतबार से पाकीज़ा हो, लेने के एतबार से पाकीज़ा हो। यानी जितना वो खुशगवार अंदाज में होगा, जितना पाकीज़गी के अंदाज में होगा, वो उतना ज्यादा तैयब और नफीस जो है वो बनता चला जाएगा। तो जब ये हालात और तैयब निज़ाम इंसान को मिलना नसीब होती है, उसका फायदा भी होता है कि उसकी जो रूह है वो पावर में आती है। रिस्क के हालात ये रूह की बुनियादी निज़ाम, बुनियादी निज़ाम। और जब रिस्क के हालात मुयस्सर ना हो तो फिर रूह जो है वो अबादात के नूर को, सवाब के नूर को कैच नहीं करती। आज अगर हम ऐसे कोई भी शख्स ये कहे कि भाई मुझे लज्जत नहीं आ रही या मैं दुआ करता हूँ कबूल नहीं हो रही, तो ये गिला शिकवा अल्लाह की ज़ात पे या नमाज पे नहीं बनता, बल्कि कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई फॉल्ट होगा। वो हमने देखना है, वो परखना है, जांचना है, वो दूर करने। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह ताला की रहम पे उसी तरह मौजूद है। और फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। खुतवा कहते हैं डॉट्स को, निशान रखते हैं छोटे छोटे निशान, इनको खुतवा कहते हैं। कि जब एक कदम उठा के अगले कदम पे जाते हैं तो वह जो कदम का निशान है इसको खुतवा तुम कहते हैं। खुतवा जमा है इसकी बात खुतवा। आप अंदाजा करें कि मैं थोड़ी मजाक से इसलिए बता रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने शैतान के कदमों के निशान की पैरवी भी नहीं करी। निशान जहां पर उसका कदम लगा है उस कदम वाली जगह के पास भी नहीं जाना। यानी इधर हुक्म ये है कि उसके कदमों के निशान में भी नहीं जाना। और हम जबियों में उसी को डालते हैं और फिर कहते हैं कि सुबह उठे और पैसों का ट्रक हमारे दरवाजे में खड़ा। जब ये यानी कदमों की पैरवी तो दूर की बात, उसको जब भी डाल के उसकी बात मान के उसका कहना मान के फिर हम जो है दुआ अल्लाह से करते हैं या अल्लाह हमारे लिए ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। और अल्लाह की क्या तालीम, और खास तौर पर ये सोशल मीडिया के जरिए हमारे नौजवान नस्ल वो जिस तबाही के दहाने की तरफ जा रही है, अल्लाह उनको महफूज फरमाए। वो शैतान के कदम तो क्या, वहां पर तो मशवरे ही शैतान से हो रहे, मशवरे ही शैतान से हो रहे। और शैतान तो बड़े आराम से सोया हो, उसकी आगे मतलब पैरोकार इतने हो गए हैं कि वो खुद ब खुद जो है उनको कैच करता चला जा रहा है। आज ये जो हमारा सारा सिस्टम माशरती तबाही का शिकार है, एक घर जो है घर के 10 अफराद एक नहीं, एक घर के अंदर चार चार घड़े बने हुए बच्चे हैं, तो वो अपनी अपनी लाइन बना के खड़े हैं, बच्चियां वो अपनी वालिदैन हैं, उनका अपना माइंड सेट है। तो जब एक घर जो है एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकता, पूरी सोसाइटी को, मुल्क को और फिर आलमी सतह पर हम मुसलमान किस तरह अपने आप को रखें। और उसकी वजह यही है कि हमने अपना जो माइंड सेट है उन तालीमात से अलग कर लिया है जिन तालीमात पे अल्लाह उसका रसूल हमें लाना चाहता है। फरमाया उसके तो कदमों के निशानों की भी पैरवी नहीं करनी। इन्नहु लकुम मतुबून, अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हें बता
हूं कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन, खुला दुश्मन। कोई शक नहीं कि शैतान वो दुश्मन है इंसान का, मोमिन का, लेकिन उसने जो है ये धमकी दी हुई है कि मैं जो है तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्फाज अपने पास रख, इल्ला इबादत सालिहीन, ये उसने भी कहा था कि जो तेरा बन के रहेगा, तेरा पैरोकार बन के रहेगा, वो मेरी पकड़ से बच जाएगा। मौलाना नूर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं शैतान की मिसाल ऐसे है कि जैसे दूध पीने वाला बच्चा होता, अगर माँ उसको जबरदस्ती छुड़ाए तो छठे महीने में भी वो छोड़ दे, और अगर माँ उससे लाल प्यार करती रहे तो जवान होके भी पीता रहे, जवान होके भी पीता रहे। हमारा मालूम फरमाते हैं कि शैतान को इस तरह अपने आप से दूर करो कि जिस तरह जबरदस्ती माँ बच्चे को जो है दूर करती है कि यह बड़ा हो गया है, तो इसके लिए जो है मदर फील को मुनासिब नहीं होगी। तो शैतान के साथ हमने ये मामला करना है कि भाई उसको अपने आप से दूर हटाने के लिए सख्त मामला जो है उसके साथ रखना पड़ेगा, और अगर ये ना किया तो फिर कई ऐसे बूढ़े देखे हैं, कई ऐसे उम्र रसीदा देखे हैं, कई ऐसे उम्र रसीदा देखे हैं कि शैतान ने उनको अपने जाल में इस कदर फंसा रखा होता है कि जानने के बावजूद मैं गलत कर रहा हूँ, जानने के बावजूद ये मैं जुर्म कर रहा हूँ, जानने के बावजूद ये मेरा गलत तरीका है, वो उस गलत से बाज आने को तैयार नहीं होता। क्यों? कि वो उसकी पैरवी में इस कदर आगे जा चुके होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह तालीम इरशाद फरमाई है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये जुमे के खुतबे में भी मैंने अर्ज कर दिया था कि शैतान की चालबाजी का स्टेप दूसरे नंबर पर है। पहला स्टेप हमारा अपना नफ्स है, जो इंसान का दिल है इसके इर्द गिर्द तीन नफ्स है, नफ्स हमारा जो बुराई के लिए मारता है, एक नफ्स दमाम लवामा जो नेकी के लिए मारता है, और एक नफ्स मुतमाइना कि जब इंसान नेकी कर करके एक मुकाम पे पहुंचता है तो अल्लाह उसके नफ्स को नफ्स मुतमाइना बना देता है, और जब वो नफ्स मुतमाइना बनता है और उस पे कायम रहता है तो फिर अल्लाह एहसास ये देता है कि जब वो मरने लगता है रब की तरफ से सदा आती है या ये तो हम नफ्स मुतमाइना आए इत्मीनान वाली जान एक जगह ला रबे की राती अंदर मर दिया रब के पास इस अंदाज में आ कि तू रब पे राजी हो जाए और रब तुझ पे राजी हो जाए कि तू दुनिया की जिंदगी में अपने रब को मना मना के आता है वो अपनी कब्र में नहीं जाता और अल्लाह पहले उसको ऐलान सुना देता है फतखुली फी इबादी मतखुली जन्नती वो देख मेरे जन्नती बंदे हैं तू भी उनके साथ शामिल हो ऐसा शामिल हो। इसलिए अपनी ख्वाहिशात नफसानी ख्वाहिशात और जो अपनी आरज़ू हैं इनको हमने मेंटेन करना है उन तालीमात के मुताबिक जो अल्लाह का कुरान और रसूल का फरमान बताता है। जब नफ्स कंट्रोल में हो जाता है तो फिर शैतान की मजाल ही नहीं है कि उसको बहका सके। तो अल्लाह की हुज़ूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हम सबको बहैसियत मुसलमान शैतान को हकीकतन वाकईतन अमली तौर पर अपना दुश्मन समझने की तौफीक अता फरमाए, चाहे हमारी खुशी है चाहे हमारी गमी है। हर बंदे के साथ शैतान ने एक अलग अलग जो है प्लान तरतीब दिया हुआ है, हर एक को गुमराह करने के लिए, सिरात मुस्तकीम से हटाने के लिए उसको कई कई चालबाजियों से जो है वो बहकाता है। ठीक है, आपका आपके साथ जो शैतान का खेल है वो और दर्जे का है। ठीक है, मौलवी के साथ जो शैतान का खेल होता है वो उसका शैतान भी मौलवी होता है, उसका शैतान भी मौलवी होता है, तो वो उस एतबार से उनको बहकाने की कोशिश करता है। तो इसलिए बहसियत मोमिन बहसियत मुसलमान हम सब अल्लाह की हुजूर दुआ भी किया करें कि अल्लाह हमें मरते दम तक हिदायत के रास्ते पे रखे, अल्लाह शैतान के शर से शैतान की पैरवी से हम सबको महफूज फरमाए। वाखिर दुआवना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई सवाल? जी अब्दुल कासिम हबीबुल्लाह। जी अब्दुल कासिम, बेशक रिज़्क हलाल बुला लगा रिज़्क हलाल। सर जब यहाँ पे तो हम आपने अभी कहा है कि गर्दो गुबार में मुआशरा हमारा गिरा हुआ है, तो ये जो यहाँ से वो उस मुआशरे में जा रहे हैं जैसे इंग्लैंड है या वो तो टोटली निज़ाम ही उनका वो सूदी निज़ाम है, तो वो उनकी क्या
हलाल है रोजी। हाँ बिल्कुल, मामला ये है कि कोई भी बंदा किसी भी जगह पे काम करता है, अल्लाह का कुरान ये इरशाद फरमाता है कि लकुम मा कसबतुम, लकुम मा कसबतुम, तुम्हारे लिए वो है जो तुमने मेहनत की है। यानी इंसान अपनी मेहनत का सिला, अपनी मेहनत का बदला वो किसी भी जगह पे जाके देता है तो ये उसके लिए हलाल है। वो तो एक सिस्टम की खराबी है ना, उस सिस्टम की खराबी को रिस्के हलाल या रिस्के हराम में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा। वो जो देगा वो अपनी मेहनत का मुआवजा देगा। यानी वो डॉलर लेता है घंटे के हिसाब से, वहां पे मजदूरी है, वो अपनी मेहनत की मजदूरी लेता है। तो जो यहाँ पे बैंक में काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो अब उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए यही हुक्म है शरीयत का कि जब तक उस बंदे को बगैर शक व शुबा वाली जो रिस्के हलाल की रोजी है या कोई जॉब है वो जब तक नहीं मिलती तब तक वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कर सकता है। अगर उसके पास दो ऑप्शन है कि एक ऑप्शन ये है कि उसमें कोई शुबा नहीं है, ठीक है, और दूसरे में शुबा है और वो बगैर शुबे वाले को छोड़ के शुबे वाले की तरफ जाता है तो वो गुनाहगार होगा, वो गुनाहगार होगा। ये तब तक उसके लिए जायज है। आप ये कोई हफ्ता दस दिनों से ऐसी माशाल्लाह खबरें आ रही हैं, अल्लाह के लिए हकीकत पे मबनी हो कि वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल में जो सुल्ह के खिलाफ एप्लीकेशन की वो भी शायद वापस ले लेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है और नमाज का भी एक जमे गफीर जो है वो इस पर वर्क कर रहा है, हुकूमत के साथ बातचीत हो रही है। अगर ये सूदी सिस्टम ख़त्म हो जाता है हमारे मुल्क से तो फिर तो सोने पे सुहागा है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अपनी मेहनत का अजर जो है वो किसी से भी लेना उसके लिए हलाल होगा। और कोई सवाल के, अच्छा एक सवाल मेरे जहन में था, ये उस दूसरी मस्जिद में कल से एक मसला था, ये सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि नमाजी हजरात चादर करके जो है वो नमाज पढ़ते हैं, तो अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि चादर करना ये हजूर सल्लम की सुन्नत सुन्नत है। पहली बात ये जरूरी है, हजूर सल्लम को यमन के बादशाह ने एक चादर दी थी और वो काले रंग की चादर थी और उसमें सुर्ख धारियाँ थी लगी और वो हजूर सल्लम आपने ऊपर करते थे ना, काला रंग और सुर्ख रंग था तो सहाबा कहते थे कि देखने का मंजर होता था कि जब उस चादर पे हजूर आते थे तो नूर नूर होते थे। तो हजूर जो है इस चादर में सर्दियों में नमाज पढ़ते थे, ये चादर आपके ऊपर होती थी और आपके हाथ उस चादर के अंदर बंधे हुए होते थे, चादर के अंदर बंधे हुए होते थे। तो ये मसला पूछा जाता है जी कि चादर में नमाज पढ़ना जायज है या जायज है, तो बिल्कुल जायज है, लेकिन इसमें एहतियात ये करनी है। वो जो उस दिन शाह साहब ने भी मसला पूछा था पेस्टकोट के हवाले से, यानी इस चादर को दोनों कंधों पे इस तरह लटका के नहीं रखना कि दोनों सैने उसकी लटके रहे। यानी उस दिन भी मैंने ये एक अंदाज है चादर करने का भी आपने की और उसमें दोनों कंधों को ऐसे छोड़ दी तो ये तशबीह कहलाएगा। वो तशबीह के साथ कोई भी कपड़ा आप रखेंगे, सर पे रखें, कंधे पे रखें, वो नमाज जो है मकरूह तरीन होगी, वाजिब याद होगी। अगर इसका एक पल दूसरे कंधे पे रख लें या पूरे जिस्म पे लपेट लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी कोई اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.